जब चुनाव आते रोड बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। कि पुलवामा जैसे हमले की बात सामने आई लेकिन इस टाइम मीडिया बिल्कुल शांत बैठा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा देश ये कहां जा रहा है आजकल? हिंदू गुंडे, भगवा गुंडे बनाए जा रहे हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अगर बात करें चुनाव की तो 11 मई को दूसरे चरण का पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। इसी का जायजा लेने के लिए आज हम आ चुके हैं एक मार्केट के अंदर। तस्वीर आपको दिखाएंगे, काफ़ी रौनक वाली ये मार्केट है। तो यहाँ जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे जो निकाय चुनाव है उन इस बार जो वोट दिया जाएगा किन किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। तो काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। अच्छा, चुनावों की तारीख आ चुकी है, 11 मई को मतदान होगा जी। तो इस बार मतदान किस चीज़ को लेकर करेंगे? इस बार मुद्दा होगा विकास का, सबसे पहली चीज़ तो विकास का। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुलवामा जैसे हमले की बात सामने आई लेकिन इस टाइम मीडिया बिल्कुल शांत बैठा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारा देश ये कहाँ जा रहा है आज की? हमें ये सोचना पड़ेगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव होगा। अच्छा, तो पुलवामा पर चुनाव होगा? नहीं, ये चुनाव तो विकास के मुद्दे पे होगा। अच्छा, आगे आने वाला जो 2024 का चुनाव हो वो बेरोजगारी पे होगा, पुलवामा हमले पे होगा और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कहाँ पहुँच गई उस पर होगा, ये हिंदू मुसलमान जो कहा जा रहा है उस पर होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं। अच्छा, जिन्हें मीडिया बता नहीं रहा, जिन्हें हमें पता भी नहीं है। अच्छा, चलिए, मेयर का भी चुनाव है क्योंकि यहाँ मेयर भी होना है और नगर पालिका का भी चुनाव, पार्षद भी चुना जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में आपके? विकास सबसे बड़ी, विकास होना चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, तरणिवा श्रीवास्तव। अच्छा, ये बताइए, चुनाव की तारीख आ चुकी है, 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा, तो क्या माहौल है यहाँ का चुनाव को लेकर? देखिए, माहौल तो अभी बहुत शांत बैठ है यहाँ पर। अभी गाज़ियाबाद का जो स्थिति चल रही है वो अभी कैंडिडेट घोषित नहीं है कई सारे पार्टीज़ के। और अगर हम अपने वार्ड की बात करें, हमारे इस विवेकानंद नगर के वार्ड की बात करें, तो हमारे वार्ड में काफ़ी टाइम से एक ही पार्षद है और जिन्होंने रोड बनाने, जब चुनाव आते रोड बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। अच्छा, मेयर की अगर बात करें? मेयर की बात करें तो देखिए, जो अभी वर्तमान में मेयर थी आशा शर्मा जी, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि सात पुश्तों तक उनकी जो परिवार है वो खाएगा बैठकर। ये आरटीआई डालकर लोगों ने निकाला है और बहुत जल्द इस चुनाव के बाद बहुत सारी आरटीआई मैं भी डालूंगी। आशा शर्मा जी को इस बार टिकट नहीं मिल रहा है, ये भाजपा की तरफ से बोला जा रहा है। और जो नगर निगम में जो ठेकेदार हैं, जो पार्षद हैं, वो बड़े परेशान हैं। जो वर्तमान में जो मेयर रही हैं उनसे बहुत परेशान हैं। उनसे क्यों परेशान है? क्योंकि उनका कहना है कि जो परसेंटेज है ठेकेदारों का, जो मतलब मेयर का, ये जो भी जाता है सरकार का, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़बरदस्ती हमसे जो है 3% की जगह 10% मांगा जाता है। हम लोग अगर सारा पैसा अधिकारियों को दे देंगे या फिर हम मेयर को दे देंगे, पार्षद को दे देंगे, तो हम जनता का विकास कैसे करेंगे? हम अपना माल कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम भी तो कुछ कमाएंगे। इस तरीके के जो काम हो रहे हैं, आप पोलिंग जो है, होर्डिंग पोलिंग वाला जो पूरे शहर का मामला है, ये जो मामला है जिसके पास वो ठेका है, जिस कंपनी के पास, उस कंपनी को आशा शर्मा जी ने सरकार से उसका टैक्स माफ करवा दिया है। और जब से उसका टैक्स माफ हुआ है, पूरी भाजपा पार्टी मिलकर करोड़ों का घोटाला कई सालों से कर रही है। एक एक जनता को, एक एक लोगों को पता है, हर पार्टी के लोगों को पता है कि नगर निगम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का गढ़ होता है। एक छोटी सी छोटी चीज़ पर भ्रष्टाचार होता है, कमीशन खोरी होती है, सफाई नहीं होती है। देखिए, एक ये वर्ड बहुत छोटा सा है, यहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे नालियाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पे सफाई रहती है। और यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, खुद लोग जागरूक हैं, अपनी सफाई, सड़क की सफाई करके खुद घर कूड़ा जो है घर पे डाल देते हैं। ये स्थिति है यहाँ के लोगों की। लेकिन आप गाज़ियाबाद के और वार्डों में चले जाइए, नाली जाम है, कई कई सालों तक कोठियों के नालियाँ जाम हैं, गटर जाम है। लोगों ने खूब अप्लीकेशन नगर निगम को दिया, बहुत सारे अप्लीकेशन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने अपने पैसे खर्च करके वो नालियाँ साफ कराई, गटर साफ कराए। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। हाउस टैक्स आपने 17-25% बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? जनता को खून चूसने के लिए सरकार बनी है?
जनता चुनती भी है ना तभी तो। देखिए जनता को बेवकूफ बनाया जाता है हिंदू मुसलमान पर, आतिक के मामले पर। अगर मुस्लिम अपराधी खत्म हो रहा है तो अब देखिए हिंदू अपराधी बढ़ रहा है। किसने मारा अतीक को? मतलब कानून व्यवस्था नहीं है उत्तर प्रदेश में, 17 पुलिस चल रही है और 20 साल के 21 साल के लड़के जिन्हें लंगोट पहननी नहीं आती वो आकर पिस्टल लगा के एक बड़े से अपराधी को गोली मार देते हैं। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? योगी राज कहते हैं कि योगी जी कि जीरो टॉलरेंस पे कानून व्यवस्था है हमारी, और रोज कोई ना कोई अपराध हो रहा है। अभी देख ले जालौन पर, जालौन में 22 साल की लड़की को गोली कनपट्टी पे गोली मार के चले गए दो लड़के खुले मार्केट में, डरी नहीं है। अतीक के वकील को अभी आज का ही मामला ले लीजिए, अतीक के वकील के घर के आसपास एक हर्षित नाम के बंदे ने बम, हिस्ट्री शीटर है वो, उसने बम फोड़ दिया। क्या लगता है आपको किसके इशारे पे सब चीजें हो रही हैं? अरे ये सब सरकार के इशारे पे हो रही है। पहली सरकारें जो सरकार है तो जांच देखिए, दूसरी सरकारें दूसरे धर्म को के अपराधियों को बढ़ावा देती थी, और ये सरकार हिंदू के नाम पे हिंदू अपराधी बढ़ाने का काम कर रही है। ये सरकार हमारे बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को खराब करने का काम कर रही है, उनको झंडा पकड़ाकर सड़क पर दौड़ाने का काम कर रही है, उनको बदमाश बनाने का काम कर रही है, गुंडा बनाने का काम कर रही है। सारी सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों बंद हो गए हैं? प्राइवेट स्कूल में 10% की फीस बढ़ा दी गई है, क्यों बढ़ा दी गई है प्राइवेट स्कूलों में? प्राइवेट स्कूलों से कमीशन आता है योगी जी को? योगी जी ने बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। यहाँ पर हिंदू वाहिनी के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। गुंडे, हिंदू गुंडे, भगवा गुंडे बनाए जा रहे हैं इस देश में। ये हमारे हिंदू बच्चों के लिए खतरनाक है, हमारे परिवारों के बच्चों के लिए खतरनाक है। पढ़ाई से अलग हटकर उनको काम कराया जाता है। अभी मैंने कुछ देखा खोड़ा में, हिंदू के बच्चे रैली निकाल रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, और बगल में लगा रहे हैं बंदूक की निशान AK-47। मैंने बकायदा लिखा, मैंने कहा अंबेडकर जी ने तो ये कहा था कि दलित जाति को कलम पकड़ लेनी चाहिए, उनका उत्थान होगा, लेकिन आप क्या निकाल रहे हैं AK-47? ये दिमाग में आजकल के नौजवान बच्चों को सिखाया जा रहा है। अच्छा तो अगर बात करें मेयर चुनाव की, तो जब से ये मेयर चुनाव, यहाँ से मेयर के चुनाव होने से हो रहे हैं, या भाजपा का कब्जा रहा है, तो इस बार क्या लगता है आपको परिवर्तन होगा? देखिए ये भाजपा का कब्जा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भाजपा जो है वो बिजनेसमैन को, जितने भी व्यापारी साथी हैं उनको डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले सर्वे किया था, मैं बहुत ये पूरा गाजियाबाद जानता है कि गाजियाबाद का जो मेयर होता है या विधायक होता है वो चार दीवारी के बीच में तय होता है। उस चार दीवारी के उस मार्केट के बीच में जब मैं गई तो वहाँ का व्यापारी कहता है कि मैडम हमारी मजबूरी है कि हमें भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुल के किसी और पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी दुकानें बंद कर देंगे, हमारी दुकानें सील कर देंगे। उनकी आस अब आम आदमी पार्टी की तरफ है, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को खुलकर मजबूती से चुनाव इस गाजियाबाद में लड़ना चाहिए कि हमारा आम आदमी पार्टी का मेयर बने और हमें भी कुछ सुविधा मिले, हमारा भी टैक्स माफ हो। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में क्या निकल कर आएगा? क्या दोबारा से भाजपा का कब्जा आएगा या कुछ चेंज हो पाएगा? देखिए जब तक लोगों के अंदर से डर नहीं जाएगा तब तक कब्जा उसी सत्ता का रहेगा, उसी पार्टी की रहेगी जो चलती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि हम जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां जो है कब्जा करेंगी, भाजपा वहां पर हारेगी, और जो नगर महानगर है यहाँ पर देखते हैं क्या रुझान आता है। लेकिन अगर इस बार किसी भी पार्टी का, हमारी आम आदमी पार्टी का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो हम अगली बार मेयर बना सकते हैं। मेयर का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव होगा, तो क्या क्या आपके यहाँ पे समस्याएं थी आपके यहाँ पे? समस्या पहले से बेटर हुई है। अच्छा, पहले जैसे भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला हुआ था अब नहीं है इतना। अच्छा, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 ही। अच्छा, है अभी है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो है ही। पहले कोई ऑफिसर के पास जाए कहीं जाओ कंप्लेंट करो कोई नहीं आता था, आप सब आते हैं। अच्छा, मतलब पार्षद जो यहाँ के हैं उनसे आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हमारे जो पार्षद है वो सही है। चलिए अंकल जी एक बात करें, मेयर की अगर बात करें तो मेयर को किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि मेयर का भी चुनाव होना है? हाँ, तो मेयर में जो खड़े होंगे वो सही है। खड़े तो सभी पार्टी के होंगे ना, समाजवादी से भी खड़े होंगे, हर पार्टी से खड़े होंगे, तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा आना चाहिए? सरकार भाजपा की है तो भाजपा की ही आना चाहिए, तभी हमारे यहाँ का काम होगा। अदर्श अगर कोई और बना दिया जाएगा तो कभी नहीं होगा।
तो इससे पहले काम नहीं हुआ था? हुआ था, जब से भाजपा की सरकार आई है काम काफ़ी सही चल रहा है। कहाँ रहते हैं चाचा? यहीं विवेकानंद नगर में रहते हैं। अच्छा, चुनाव है 11 मई को, मतदान होना है दूसरे चरण का। जी जी, तो क्या मन है इस बार राज्य चुनाव में? देखो जी, कैंडिडेट वो जीतना चाहिए जो कुछ करे। अच्छा, और पुराने कई वर्षों से, करीब 15-20 साल से, 15-20 वर्ष से एक ही कैंडिडेट जीत रहा है, और हम उनके खिलाफ़ में नहीं बोल रहे हैं, वो भी काम करते हैं। बाकी बच्चों की खेलने की जगह की व्यवस्था ये है कि इस कॉलोनी में और कोई जगह तो नहीं बन नहीं सकती, इसी में ही उपाय करना पड़ेगा। भाई पार्कों को साफ़ सुथरा करा जाए और जो है उसमें ही बच्चे खेले कूदे। अब अलग से तो जगह यहाँ एक दो बीघे लेकर के कोई खेल की जगह नहीं बना सकता, इसी में ही सुधार करना पड़ेगा। बाकी अच्छा, हमारी कॉलोनी में आप देखते हो दो ही रास्ते हैं, कोई आर पार जाने का रास्ता तो है ही नहीं, और एक तरह से गेट लग जाए तो बिल्कुल सेफ कॉलोनी हो जाएगी। बाहर का आदमी ना यहाँ आता है ना जाता है, केवल वही आता है जिसको यहाँ आने की ज़रूरत होती है। अच्छा अंकल जी, बात करें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? कानून व्यवस्था कुल मिला के ठीक ही है, परंतु जो है कुछ लोग अपनी मनमानी करेंगे तो वो तो नुकसान उठाएंगे ही। कौन लोग करेंगे? कुल मिला के व्यवस्था ठीक ही लगती है। थोड़ा सा ये है कि आजकल के बच्चे थोड़े से बहक गए हैं, जो नशे के शिकार हो गए हैं, उनको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान दिया जाए उसके लिए, बच्चों का जो है प्राइवेट स्कूल है उसमें फीस का जो है वो ज़्यादा है। अगर अच्छा सरकारी सुविधा मिल जाए, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो अच्छा। तो लगता है आपको सरकारी स्कूलों में अच्छी नहीं होती पढ़ाई? नहीं, उतना नहीं है जैसा प्राइवेट स्कूल में सुविधा पढ़ाई की अच्छी है, वो सरकारी में नहीं है। अच्छा, चलिए अगर लोकल की बात करें तो आप यहीं पर रहती हैं, तो लोकल के क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, क्योंकि चुनाव होने हैं? लोकल का जो भी अभी फ़िलहाल तो ठीक है, बस यही है थोड़ा और अच्छा माहौल, वैसे जो भी चल रहा है अभी फिलहाल ठीक ही है। अच्छा, मेयर के चुनाव भी यहाँ पे होने हैं, मेयर के चुनाव होने हैं, काफ़ी समय से यहाँ मेयर का ही कब्जा रहा है, तो मेयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के मेयर यहाँ होने चाहिए, तो पूरा नगर निगम के कामों को देखते हैं? हाँ नहीं, अभी तो जो है जो चल रहा है फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, अभी इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं इन्हीं को दोबारा मौका दिया जाए? हाँ। तो अलग अलग लोगों से हमने बात की, ज़्यादातर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, जो लोकल के मुद्दे हैं उनको भी लोगों ने पूरी तरह से बताए। साफ तौर पर ये लोगों का कहना है कि अगर बात करें यहाँ की राजनीतिक, अगर बात करें तो 1995 से यहाँ पर मेयर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, तो इस बार देखने वाली बात होगी क्या जो गाज़ियाबाद की जनता वो किसी और को मौका देगी या दोबारा से ही भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा पाएगी। सोनू खान, जनी टाइम, गाज़ियाबाद।